हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एटमिक्स को, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और भी हमारे वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के अंदर जाके। हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पर एटमिक्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉटवाइलर वर्सेस डॉबरमैन के बारे में, मतलब कौन सा डॉग जो है बेस्ट गार्ड डॉग रहेगा आपके लिए, सही कौन सा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके मन में कि कौन सा डॉग हमारे लिए सही रहेगा। दोनों के दोनों काफ़ी अच्छे डॉग है, बट हमारे लिए कौन सा सही रहेगा, क्या प्राइस रहती है, आगे जाके क्या प्रॉब्लम आती है, अच्छा गार्ड डॉग है कि नहीं है, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कुछ प्रॉब्लम है उसके बारे में बताने वाला हूँ, कुछ अच्छे पॉइंट है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, तो वीडियो के एंड तक आते आते आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा डॉग लेना है। तो अगर आपको मेरी बनाई वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी आप इन दोनों में से डॉग में से कोई लेना चाहते हो तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, इसका प्राइस क्या रहेगा, दोनों में से कौन सा अच्छा रहेगा, मेल ले फीमेल ले, या फिर कभी कभार आपके घर छोटा है उसके लिए क्या करें, मेंटेनेंस का खर्चा कितना आता है दोनों में, अगर ज़्यादा आता है हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे सारे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं कि जो है डॉग को बाय करना यानी प्राइस कितना होना चाहिए दोनों का। तो जैसे कि आप सबको जानते हैं कि रॉटवाइलर काफ़ी मस्कुलर डॉग ब्रीड है, हैवी बोन है, और वो आपको एकदम हैवी बोन में भी मिल जाएगा, लो क्वालिटी में भी मिल जाएगा, उसके ऊपर उसकी जो है प्राइस डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर सपोज़ आपको एक अच्छा मीडियम कोट चाहिए जो अच्छा हेल्दी भी हो और दिखने में भी काफ़ी ठीक ठाक हो, तो वो आपको आराम से दोस्तों 11 या 12 हज़ार के आसपास मिल जाएगा। अगर आपको उससे हाई चाहिए तो आपको 12 या 13 हज़ार 2 हज़ार एक्स्ट्रा आप डालते हो तो उससे अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा चाहिए कि उसके पर काफ़ी अच्छे से ग्रो किए हुए, बाल काफ़ी घने हैं, मुँह उसका जो फेस होता है वो काफ़ी अच्छा है, तो आपको 15 से 16 या 17 हज़ार भी आपको देना पड़ता है। अगर आपको विथ पेपर लेना है तो आपको 18-19 हज़ार तक आपको जा सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपको कैसा डॉग चाहिए। वही बात करते हैं हम डॉबरमैन की। तो डॉबरमैन जब छोटे होते हैं तो काफ़ी क्यूट लगते हैं, स्लिम बॉडी के होती है, इसलिए उसका प्राइस लगाना दोस्तों काफ़ी मुश्किल होता है कि ये सही में अच्छा आगे जाके क्वालिटी वाला डॉग बनेगा कि नहीं। तो उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप उसके मदर को ज़रूर से चेक कीजिएगा। अगर उसकी मदर अच्छी है, बॉडी उसकी अच्छी है, लीन है और दिखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है, हेल्थ अच्छी है, तो आप उस जो फीमेल का पप्पी आप ले सकते हैं। तो उसका भी प्राइस क्या, स्टार्टिंग रॉटवाइलर का आपको तो 11-12 हज़ार में मिल जाएगा, बट डॉबरमैन आपको स्टार्टिंग ही 12 या 13 हज़ार के आसपास मिल जाएगा, क्योंकि डॉबरमैन दोस्तों बहुत सारे लोग बाय करते हैं, बट कभी कभार क्या होता है, ये जो सीज़न नहीं होता है तो डॉबरमैन मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में उसका प्राइस हाई हो सकता है। बट अगर आपको अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो आपको 15 से 16 हज़ार तक मिल जाएगा, और मैंने जैसा बताया कि पेपर के साथ चाहिए तो 20 हज़ार 25 हज़ार तक भी उसका प्राइस हो सकता है विथ पेपर, और दोनों डॉग आपको कम प्राइस में मिल जाएंगे। कभी कभार क्या होता है, किसी को देना होता है, या फिर कभी आप फ्रेंड के साथ होते हैं, या फिर किसी के पास जब फीमेल है उसने बच्चे दिए तो उसको सेल करवाने, तो आपको अराउंड 10 हज़ार या फिर 9 हज़ार के आसपास भी डॉग मिल जाएंगे। अगर फीमेल लेते हो तो और भी आपको सस्ता पड़ जाएगा, अगर फीमेल लेते हो तो आपको 10 या 9 हज़ार के आसपास मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी का, रॉटवाइलर भी और डॉबरमैन भी। तो अब बात करते हैं घर की, तो घर के हिसाब से कौन सा डॉग आपके लिए सही रहेगा, रॉटवाइलर या फिर डॉबरमैन। तो अगर आपका घर मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ऐसे में आप दोनों डॉग एडॉप्ट कर सकते हो। बट आपका डॉग जो घर है वो अभी दूसरे सेकंड थर्ड फ्लोर पे है, तो अगर उसके घर की साइज़ है 2 BHK या 3 BHK, तो ऐसे में आपको रॉटवाइलर काफ़ी बेस्ट रहेगा। अगर 2 BHK है या फिर उससे कम है तो आपको डॉबरमैन सही रहेगा, क्योंकि डॉबरमैन की बॉडी फिर आगे जाके इतनी ग्रोथ नहीं करती, लंबाई में अगर वो ग्रोथ हो जाएगी बट बॉडी में जो साइज़ होती है वो रॉटवाइलर की काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाती है। तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखिएगा कि आपके घर के हिसाब से चूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि घर के लिए हमारा डॉग कौन सा अच्छा रहेगा। हमारा घर काफ़ी मतलब फैमिली काफ़ी बड़ी है, 4 या 5 लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से कौन सा डॉग अच्छा रहेगा, तो उस हिसाब से दोनों ही डॉग अच्छे रहेंगे। क्योंकि अगर रॉटवाइलर को अगर पहले से आप सोशलाइज करते हो, अच्छे से ट्रेन करते हो, तो वो भी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बट उसके मुकाबले अगर डॉबरमैन को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देते हो तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा आपके फैमिली के लिए भी। बट सबसे ज़्यादा आपको ये बात ध्यान रखने की दोनों डॉग को सोशलाइज ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत होती है। अगर आप ला के रखते हो तो एग्रेसिव हो सकता है किसी और के ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर तो नहीं होगा बट किसी और के ऊपर एग्रेसिव हो सकता है अगर आप अच्छे से केयर नहीं करते हो तो।
अगर आप अच्छे से केयर करते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, दोनों डॉग भी बच्चों के साथ भी काफ़ी अच्छे से रहते हैं। अगर छोटे बच्चे अगर आप उनके साथ उसको खेलने देते हो, बट ध्यान रखिएगा कि पहले के जैसे जैसे आप उसको बच्चों के साथ खेलने देते हो उस समय में कोई बड़ा वहाँ पर होना ज़रूरी है। तो क्या होगा, कभी कभार जो डॉग है मस्ती मस्ती में पंजे मार देता है या फिर कभी कभार बाइट करता है, तो वो ध्यान रखने के लिए कोई बड़ा हो तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मेंटेन के लिए कि मेंटेनेंस का खर्चा कितना आता है दोनों डॉग के लिए। तो डॉबरमैन के लिए आपको थोड़ा सा कम आएगा, रॉटवाइलर के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ज़्यादा डिफरेंट नहीं, आपको 2000 जैसा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा सब कुछ, मतलब मैं ऐड करके, जैसे कि डॉग फूड होगा, टॉय हो गया, उसका खाना पीना, शेडिंग टाइम हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इन सब में आपको 2000-2500 का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा रॉटवाइलर का खर्चा आपको ज़्यादा आएगा, पर डॉबरमैन का कभी कभार आपको 2000-2500 रुपये थोड़ा सा कम हो सकता है। तो अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा पूछने वाले सवाल कि इन दोनों में से अच्छा गार्ड डॉग कौन सा है। तो देखिए दोनों डॉग जो है काफ़ी अच्छे गार्ड डॉग है, दोनों भी अच्छे वॉच डॉग भी बोल सकते हो आप, गार्ड डॉग भी बोल सकते हो, फैमिली की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हो। दोनों डॉग भी काफ़ी अच्छे, दोनों डॉग भी आर्मी में यूज़ होते हैं, पुलिस में यूज़ होते हैं, बहुत सारी ऐसी एजेंसी है जैसे सर्विस हो गया डॉग के लिए उनको यूज़ होता है डॉग, उस सर्विस में भी ये डॉग जो है अटेंड करते हैं, यानी वो भी वहाँ पर भी अच्छे खासे काम करते हैं। तो दोनों डॉग बेस्ट गार्ड डॉग है, बट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ट्रेन करते हो, कैसे उसको ट्रीट रखते हो, मतलब कैसे उसको सिखाते हो, कैसे उसका नेचर रखते हो आप, तो उस हिसाब से डॉग डेवलप होता जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं ला के घर पे रख दूँ और वो अपने आप सब सीख जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा, मैं अभी से आपको बोलता हूँ। अगर आप विद पेपर के साथ लाते हो, 25,000-1,00,000 रुपये का डॉग अगर आप भी लेके आते हो, तो भी वो अपने आप नहीं सीखेगा। बट हाँ, कुछ वो DNA होता है जो उसके मदर फादर के अंदर होता है, तो उससे वो थोड़ा बहुत सीख सकता है, जैसे कि कभी कभार बार्क करना, सेकंड करना, नई नई चीज़ें जल्दी से सीख जाना, ये सब हो सकता है। बट उसको आपको ट्रेन तो ज़रूर कराना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा डेली बेसिस पे कि क्या करना है, कैसे रहना है, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, कहाँ पर उसको सोना है, कहाँ पर उसको खाना है, और उसका जो बाउल होता है वो कैसे लेके आना है, ट्रेन करना, घर के छोटे मोटे काम करना, घर का रखवाली करना, कोई आता है तो बार करना, ये सब कुछ आपको उसको सिखाना पड़ेगा धीरे धीरे। स्टेप बाय स्टेप आप उसे सिखाते हो तो दोनों डॉग भी अच्छे से सीख लेते हैं और बात मानते हैं। और अब बात करते हैं कि इनको मतलब कंट्रोल करना कितना आसान है। तो कंट्रोल करना, आप ध्यान रखिएगा कि रॉटवाइलर को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो उसको बहुत कुछ सिखाना पड़ता है, उस हिसाब से आपकी हैवी बॉडी भी होनी चाहिए, क्योंकि उसको कंट्रोल करना काफ़ी दोस्तों मुश्किल हो जाता है जब उसकी एज आगे हो जाती है, क्योंकि आप वॉक पर ले जाते हो तो इतना ज़्यादा खींचता है मतलब, तो उसके कारण भी दोस्तों अगर आपके शरीर में थोड़े दम हो तो आप उसे रोक सकते हैं। वही डॉबरमैन को आप आसानी से रोक सकते हो, क्योंकि उसके शरीर इतने से ग्रो नहीं होता, इतने ज़्यादा ग्रो नहीं होता, तो वो भी है। और जो रॉटवाइलर का शरीर ग्रो होने के कारण लोग डरते भी है, वही डॉबरमैन का दोस्तों उसका फेस देख के लोग डर जाते हैं कि ये एग्रेसिव तो नहीं, काटेगा तो नहीं। और स्पीड की बात करें तो डॉबरमैन की काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है, रॉटवाइलर का दम ज़्यादा होता है, तो दोनों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपको जिससे आपको मतलब कंफर्टेबल लगता है कि इस हिसाब से मेरे को ये डॉग चाहिए, अगर मुझे थोड़ा सा स्फूर्ति वाला डॉग चाहिए, स्पीड वाला डॉग चाहिए, तो आप डॉबरमैन के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का डॉग लेना है और किस कैटेगरी का लेना है। तो मतलब अगर आपको स्पीड वाला डॉग चाहिए तो आप जो है डॉबरमैन के साथ जा सकते हैं, अगर आपको हैवी चाहिए, मस्कुलर चाहिए, तो आप रॉटवाइलर के साथ जा सकते हैं। तो गाइस आप सभी को जैसे पता है कि मेरे पास जो है लैब्राडोर है, उसका नाम मैक्स है, तो उसकी भी वो भी आप बोल सकते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं लैब्राडोर वॉच डॉग नहीं होता, वो गार्ड डॉग नहीं होता, बार्क नहीं करता, कुछ करता नहीं है, तो ऐसा गलत बात है दोस्तों। मेरे पास जो लैब्राडोर है काफ़ी दोस्तों अच्छा है, अच्छा वॉच डॉग भी है, गार्ड डॉग भी है, और फ्रेंडली भी रहता है, सब कुछ करता है, बस जैसे आप उसे रखते हो वैसा बनता है। तो मेरा जो सेकंड चैनल है एटमिक्स व्लॉग, उसके ऊपर मैं उसकी वीडियो डालता रहता हूँ, तो आपको अगर वो डॉग देखना है, वो वीडियोज़ देखनी है एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, एटमिक्स व्लॉग्स करके सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको कुछ इसमें ध्यान और दिक्कत की वाली बात है तो मुझे ज़रूर से बताना। और बात करें लास्ट में एक पॉइंट रह गया, मैं उसको कवर करता हूँ, जैसे कि बीमार कौन सा डॉग हो जाता है जल्दी, तो दोनों डॉग जल्दी से बीमार नहीं पड़ते, अगर आप प्रॉपरली उसको ट्रीटमेंट डॉग से करवा जो डॉक्टर से करवाते हो डॉग को ले जाके, तो रेगुलर बेसिस पे वैक्सीनेशन हो गया, डिवॉर्मिंग हो गया, उसका जो विटामिन्स होते हैं, कैल्शियम होता है, कमी कभी कभार दूर करना, उस सब के लिए अगर आप दवाई ट्रीटमेंट कराते हो रेगुलरली, तो दोनों डॉग भी काफ़ी अच्छे हैं और जल्दी से बीमार भी नहीं पड़ते।
और ये डॉग ब्रीड ऐसे जैसे कि मौसम चेंज हो जाता है तो कभी कभार बालों का प्रॉब्लम आ सकता है आपको, रोटवालर में ज़्यादा आएगा और डॉबरमैन में आएगा बट थोड़ा सा कम आएगा, बस शेडिंग के टाइम पे दोनों डॉग का प्रॉब्लम आपको आ सकता है। तो अगर ये बात आप ध्यान रखते हो, इनको कवर करते हो, तो आपके लिए दोनों डॉग भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। और जैसे कि सीज़न बदलता है तो बहुत सारे डॉग कभी कभार बीमार पड़ जाते, जैसे कि गर्मी से ठंडी आना या फिर बारिश आना, तो ऐसे में ये दोनों डॉग काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। दोनों डॉग को अगर आप गर्मी में कूलर के साथ रखोगे तो भी अच्छा रहेगा, एसी हो तो और भी अच्छा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक से जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।